आपको लग गया, लेकिन हम लोग बात नहीं सुनते हैं और जो लिस्ट का नाम है उसका बात सुना जाता है। हम लोग एसपी साहब को बताए हैं, बड़ों को बताए हैं, भर भर रात शिक्षा कमर में लेके घूमता है वो लोग। और दुख की बात टोटल ठीक है। आज आज कल गार्ड भी चेंज हुआ है, इससे गार्ड तो यहाँ का गार्ड तो बड़ा बाबू बन जाता है। बीच में भी यहाँ है, कोई पुलिस नहीं है, सब दलाल बन गई है। फिर कोई काम भेज दीजिएगा, हमारे यहाँ की बहुत ही सम्मानित जनता और हमारे बात तो बहुत दुखनीय है, बहुत टेक्नोलॉजी की बात है, बहुत इलाके में बहुत ज़्यादा है, मगर आप लोग जिस तरह जगह है बाबू भाई आपके जगह यहाँ वहाँ, मगर पहले से जगह इस तरह से जगावट हमेशा रखी है। आज सरपंच साहब के साथ गोली कांड हुआ तब हम लोग आज 2000 आदमी तब तब जमा होने की बात कीजिए, जब जब प्रशासन हमें को यानी निंदा करता सुमन जैसा बदतमीज कहेंगे उसको, अगर ए एस आई करोगे पुलिस का कार्रवाई करता हो तो उसमें भी हम लोग लिखा पड़ी। बहुत सराहनीय बात है कि एसडीओ साहब और डीएसपी साहब आप लोगों से मिलते हैं, और ये तो हम देखे हैं इनको कि डीएसपी साहब के एसडीओ साहब को कि आम लोगों के साथ तो खुले आम देखे पाओ काम कराओ जाओ, न दरबारी न दरबार न चीट देना है, और ये अच्छी परंपरा शुरू करना है। इसके लिए हम कम से कम आम लोग जिसके पैर में चप्पल नहीं रहता, जिसकी धोती और धोगी गंदी रहती है, उसको कम से कम नहीं कामों को बट्टा की बात करने का काम, ये परंपरा की शुरुआत आज जो आपको बड़ी जिलाधिकारी थाने में भी करवाई है और ब्लॉकों में भी। दूसरी बात यह है कि हम लोग को ज्यादा हंगामा करने की इसमें और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेम एफ आई आर, अब ये है कि स्पीडी ट्रायल चलेगा। अब ये है कि वो गवाह जो उस दिन बिजोल हाट में थे वो लोग मजबूती से रहे ताकि उसको सजा मिले। आप जो बोलते हैं कि एसपी साहब पकड़ के लिए सजा दिलवा देंगे, ये नहीं चला देंगे, एसपी साहब नहीं चला, उसके लिए न्यायालय, न्यायालय के लिए क्या है कि लोग गवाहों का मजबूत होना जरूरी है। आज से आप लोग आजम करा दीजिए कि सरपंच साहब के साथ जो हुआ है उसको हथियारों को छोड़ेंगे।
दूसरी बात, छोटा छोटा छिटपुट क्रिमिनल जो बोलते हैं, अभी सुशील साहब बोल रहे हैं रिवॉल्वर लेके घूमता है, ऐसे लोगों को 5 आदमी पकड़ करके, 2 आदमी पकड़ के बंद करने का काम कीजिए, तब ये इलाका बंदूक का नहीं है, इलाका गोली का, इलाका गोली का नहीं है। कोई बंदूक की बात करता है तो गोली की बात करता है, उसको दबाइए, और अभी नहीं दबाइएगा तो और आगे बढ़ता जाएगा। और हम जाते क्या कहेंगे, हमारे सबसे ज्यादा बोलने के लिए माफी हमारे चाहिए।